भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक शर्मा जी, क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ में? घटनाक्रम ये हुआ कि आज लगभग 3 बजे दोपहर के समय मैं अपने बच्चे को स्कूल से लेकर के आ रहा था। स्कूल से वो बस से आता है तो मैं गली के बाहर रुका हुआ था उसको लेने के लिए, तो तभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर प्रवीण कुमार वहाँ अपनी गाड़ी से आए। पहले उन्होंने बस वाले के साथ गाली गलौज करी। बस वाले के साथ गाली गलौज करने के बाद में उन्होंने साथ मेरे साथ में मार पिटाई करी, जिसका नतीजा यह है कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में फ्रैक्चर है। मेरे बच्चे को यहाँ भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, उन्होंने उठा करके मेरे बच्चे को धक्का दे दिया और उसकी कमर में गंभीर चोट आई है। उसकी कमर में चोट है, हल्का सा सिर में भी उसके चोट है, गुम चोट है। 7 साल का बच्चा है, पहली क्लास में पढ़ता है। क्या लगता है आपको, पुलिस को करी? पुलिस के लिए जब मैं कार्रवाई के लिए उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि मामला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से जुड़ा हुआ है, इसके लिए आप ऊपर से एक बार फोन करा दीजिए। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, अगर आम आदमी के ऊपर कोई शोर सिफारिश नहीं है तो क्या उसे न्याय नहीं मिलेगा? मेरी गलती क्या थी मुझे ये पता चल जाए, मैं माफी मांग लूंगा। जब मेरी गलती नहीं है तो कम से कम इतनी तो कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए कि उन्होंने शराब के नशे में मेरे साथ मार पिटाई करी, मेरा हाथ तोड़ दिया, इसके बाद में मेरे बच्चे के साथ को धक्का दे करके गिरा दिया। कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बच्चे को पिटता हुआ देखेगा? लेकिन मैं फिर भी उनसे बार बार एक रिक्वेस्ट करता रहा कि प्रवीण भाई आप हमारे घर के हो, हमारे गली के हो, मोहल्ले के हो, मैं घर आकर के बात कर लूंगा, लेकिन वो माने ही नहीं। पैसा, पैसे का नशा और शराब का नशा इस कदर उनके सिर पर चढ़ा हुआ है कि उनकी तीसरी या चौथी घटना है। सर, आपके चैनल के माध्यम से एक बात जानना चाहता हूं।